Very good morning, kids. Welcome to srv Academy. This is our third part of chapter two, teeth and its care. So we have already discussed about the function of the teeth, the sides of the teeth. What do you understand by the temporary and permanent teeth? The structure of a tooth, kinds of teeth. These things we have already discussed in our earlier video. So today I just want to discuss with you our next topic, and that is. टीथ एंड इट्स केयर टीथ की केयर हम कैसे करते हैं एक्चुअली आवर चैप्टर नेम इज़ टी टीथ एंड इट्स केयर एंड दैट इज़ वी विल स्टडी हेयर टूडे लाइक अदर बॉडी पार्ट टीथ ऑल्सो नीड प्रॉपर केयर बॉडी के अदर पार्ट्स की तरह जो टीथ होते हैं उनको भी केयर की ज़रूरत होती है वी डोंट टेक प्रॉपर केयर वी विल सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक अगर हम इनकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सफ़र करना पड़ता है लाइक like, टूथेक दांत में दर्द टू तो डिके मीन्स कुछ डिके मीन्स पार्ट्स में डिवाइड पार्ट हो जाते हैं कैबिटी लग जाती है, हैं सोलोगम्स मीन्स स्वेलिंग हो जाती है प्लैक्यू मीन्स पीले पीले ही कुछ लेयर कलेक्ट हो जाती है दैट इज प्लैक्यू, सो वॉड वॉट डू टूथ डिके अब डिके एक्चुअली कैसे होते हैं दैट वी विल लर्न हेयर वैन वी ईट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड गेट इस्टिंक बिटवीन द टीथ जब हम कुछ पे खाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं इफ़ वी डोंट ब्रश अवर टीथ जब हम ब्रश नहीं करते हैं प्रॉपर तो जर्म्स ग्रो ऑन दीज पार्टिकल्स तो जो पार्टिकल्स हमारे दाँतों के बीच फंस जाते हैं उसमें जर्म्स ग्रो कर जाते हैं दीज जर्म्स सीक्रेट्स एन एसिड और ये जो जर्म्स होते हैं वो एक एसिड को सीक्रेट करते हैं दिस एसिड डिजोल्व द एनिमल एंड कॉजेज टूथ डिके और ये क्या करता है एनिमल मीन्स वी ऑल नो देअर इन ऑन अवर टीथ देयर इज वन लेयर ऑफ एनिमल इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अवर टूथ तो ये जो एसिड्स होता है जो कि जर्म्स के थ्रू सीक्रेट होने लगता है वो एनिमल के लेयर को डिजोल्व करने लगता है और जिसके कारण हमारे जो टूथ होते हैं वो डिके हो जाते हैं टूटने लगते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट है वॉट इज प्लैक्यू अब प्लेक्यू क्या होता है द स्टिकी येल्लो लेयर फॉर्म्स ऑन द टीथ ड्यू टू ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स इज नोन एज प्लेक्यू ये स्टिकी येल्लो कलर का जो एक सब्सटेंस होता है हमारे दांतों के ऊपर बनने लगता है वो भी जब हम जर्म्स कलेक्ट होने लगते हैं मीन्स हम प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं खाना खाने के बाद गार्गल्स नहीं करते हैं अपने माउथ को रिंस नहीं करते हैं तो वो एक येल्लो कलर की लेयर हमारे दांतों पर बनने होने लगती है एंड दैट इज़ कॉल्ड प्लैक्यू ठीक है सो स्टिकी येल्लो लेयर फॉर्म ऑन द टी ड्यू टू द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स इज नोन एज प्लैक्यू ओके लुक ऑन दिस पिक्चर बोथ टू डिक्के एंड प्लेक्यू कैन कॉज इज बैड ब्रीथ बोथ टूथ डिके एंड प्लैक्यू कैन कॉज बैड बैड ब्रेथ हैंड्स प्रॉपर ब्रशिंग एंड प्रिवेंट टूथ डिके प्लैक्यू एंड गिविंग अ रिफ्रेशिंग ब्रैथ तो क्या होता है डिके और प्लैक्यू दोनों की वजह से ही हमारे माउथ से एक गंदी स्मैल आने लगती हैं इसलिए हम प्रॉपर ब्रश करेंगे अपने दांतों में तो हम वी कैन प्रिवेंट अ द डिके एंड प्लेक्यू देन वी गेट अ रिफ्रेशिंग ब्रैथ ठीक है ना न कॉम ऑन योर नेक्स्ट पॉइंट ब्रशिंग द टीथ सॉरी हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर टीथ अपने दांत को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो ब्रश योर टीथ ट्वाइज अ डे ट्वाइस अ डे वंस इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड कम से कम दो बार ब्रश करें मॉर्निंग में और अपने बेड पर जाने से पहले मीन्स सोने से पहले ब्रशिंग द टीथ तो फर्स्ट पॉइंट आ गया ब्रश द टीथ मीन्स ब्रश योर टीथ अप एंड डाउन इन एंड अप एंड डाउन इन एंड आउट एज इन शूग इन फिगर जैसे फिगर में दिखाया उस तरीके से आप ब्रश करिए अप में करिए डाउन में करिए एवरीवियर जस्ट हैव टू डू द ब्रश देन रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील हर एक खाना खाने के बाद अपने माउथ को वॉश करना है यू हैव टू वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील देन कम योर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट डज क्लीन योर टंग यूजिंग अ टंग क्लीनर अपनी टंग को क्लीन करिए टंग क्लीनर का यूज़ करिए मसाज योर गम्स विद योर फिंगर अपने फिंगर से गम्स को मसाज करिए ओके अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट को खाना यू हैव टू अवॉइड ओके स्वीट्स और चॉकलेट जस्ट अवॉइड लुक हेयर इन दिस पिक्चर ना कम विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली विजिट करना चाहिए ईट हार्ड फ्रूट्स लाइक एप्पल अबॉय जंक फ्रूट हार्ड फ्रूट्स खाना चाहिए लाइक एप्पल एंड जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए ना हेयर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज़ डू यू नो टीथ आर मेड ऑफ़ कैल्शियम फॉसफेट हम जानते हैं कि जो हमारे टीथ होते हैं, वो कैल्शियम फॉसफेट से बने होते हैं हैंस कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉग टीन क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग दांत के लिए के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही असेंशियल थिंग होता है सो मिल्क इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम सो वी शुड हैव टू टेक एटलीस्ट वन ग्लास मिल्क डेली बिकॉज मिल्क इज एन अ एक्सीलेंट सोर्स of calcium and our uh, teeth is made up by the calcium phosphate so we all uh, we all need calcium for our teeth so we should have to take at least one glass milk daily for our uh, good health and for uh, uh, for getting calcium through the milk okay so yeah, here we have completed our chapter and the rest of the things means our next chapter we will discuss in our next video so like the video subscribe the channel for that today thank you and have a an